इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो पीसीबी में जो सेंसर वगैरह जो लगे हुए होते हैं, एंट्रिंग टेम्परेचर सेंसर और लिविंग टेम्परेचर सेंसर और बहुत सारे सेंसर ट्रांसड्यूसर जो होते हैं वो सब। आज का मेरा जो टॉपिक है चिलर मेंटेनेंस चेकलिस्ट, व्हाट टू डू बिफोर समर, मतलब समर से पहले हम लोगों को क्या क्या तैयारी करनी चाहिए जो कि गर्मी में हम लोगों को प्रॉब्लम ना आए, तो हम लोगों को कैसे चेक करना चाहिए और क्या क्या इसमें मेंटेनेंस करना चाहिए जो कि गर्मियों में प्रॉब्लम ना करे और हमारा कोई भी एचवीएसी सिस्टम है, चिलर सिस्टम है, स्मूथ चले, अच्छा चले। और मैं हमेशा एक चीज बताता हूँ कि कोई भी भाई अगर काम करना चाहते हैं तो किसी के साथ ट्रेनिंग ले लें तब काम करें, और नहीं तो किसी सीनियर के साथ रह के काम सीख के करें और कोर्स करके आईटीआई या डिप्लोमा जो भी करते हैं वो करके सारी सावधानियों के साथ सेफ्टी के साथ हमेशा काम करना चाहिए। तो वीडियो आप लोगों के बहुत काम आने वाली है, इसलिए वीडियो लास्ट तक देखें, बिल्कुल स्किप ना करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो अगर अच्छी लगे तो जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर कोई टॉपिक, अगर कोई वर्ड्स, अगर कोई पॉइंट इसमें रह जाता है तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं ताकि मैं उसके ऊपर दूसरा वीडियो बनाऊं। मैं कई बार आप लोगों के कमेंट हमेशा देखता हूं, रिप्लाई भी करता हूं और कोशिश करता हूं उस पर भी वीडियो बनाया जाए। तो मैं शुरू करता हूं, आप लोग बताना। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, एक भाई ने हमसे क्वेश्चन किया था कि एक बिल्डिंग में एक चिलर इनफ नहीं होता है क्या, तो इनफ हो सकता है बिल्डिंग के अकॉर्डिंग, जितना मंजिल का, जितना फ्लोर का बिल्डिंग है उसका डिज़ाइन किया जाता है कि हमको इसमें कितना टन का चिलर चाहिए, तो उतने टन की कैपेसिटी हमको प्रोवाइड करनी होती है किसी भी कंपनी को। आप लोग जो ये देख रहे हैं ये बहुत सारा चिलर है, ये यॉर्क का चिलर है, एयर कूल्ड चिलर है, उसमें जो कंप्रेसर लगे हुए हैं रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर लगे हुए हैं। टनेज के बारे में एक हमारे भाई ने कमेंट किया था, तो आप लोगों को मैं अभी लास्ट में दिखा दूंगा कि टनेज कहाँ पे चेक किया जाता है, कहाँ से हम लोगों को मालूम चलता है चिलर का टनेज। तो अभी जो मेन टॉपिक है वो ये है कि चिलर कभी भी सर्दी का मौसम जो होता है उसमें मेंटेनेंस हम लोगों को कर लेनी चाहिए क्योंकि गर्मी में ऐसी प्रॉब्लम ना आए। तो उसके लिए हम लोगों को सबसे पहले क्या करना होगा, तो सबसे पहले हम लोगों को विजिट करना होगा साइट और देखना होगा कि हमारे चिलर में कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है। वो फाइंड आउट करने के बाद, फॉल्ट पकड़ लेने के बाद, वो तो आपको मालूम ही है कि इसमें ये प्रॉब्लम है। बाकी चीज़ों को आप लोगों को कंप्रेसर का जो ऑयल होता है उसकी कंडीशन देखनी है कि ऑयल किस कंडीशन का है, कंप्रेसर को चला के देखना है कि कंप्रेसर चलने में कोई वाइब्रेशन है, कोई साउंड है कि नहीं। अगर ऑयल आपका ज़्यादा गंदा है तो उसको भी चेंज करने की ज़रूरत है, और ड्रायर फिल्टर, जो फिल्टर ड्रायर जिसको बोलते हैं, उसको भी चेक करना है, और कंप्रेसर के अंदर में सक्शन फिल्टर ब्लॉक है, ऑयल फिल्टर ब्लॉक है, ये हम लोगों को गेज लगा के मालूम चलेगा। तो अगर फिल्टर ब्लॉक है या ऑयल फिल्टर ब्लॉक है या सक्शन फिल्टर ब्लॉक है तो उसको भी हम लोगों को खोल के क्लीन करना चाहिए गैस रिकवर करके, और हम लोग ऑयल भी चेंज कर सकते हैं, फिल्टर भी क्लीन कर सकते हैं, कंप्रेसर का इंटरनल मैकेनिकल जो होता है वो भी हम लोग इसका चेक कर सकते हैं। अगर कहीं पे कंप्रेसर ओवर हीटिंग हो रहा है या फिर खड़खड़ की आवाज़ आ रही, वाइब्रेशन हो रहा है, तो आप लोग को क्लियर मालूम चल जाएगा कि इसमें मैकेनिकल प्रॉब्लम है या ऑयल ख़राब है या कुछ भी है, क्योंकि लुब्रिकेंट भी अगर अच्छा नहीं होगा तो कंप्रेसर में से कई बार साउंड आता है और बाद में कंप्रेसर हीटअप हो जाता है और जल जाता है, क्योंकि लुब्रिकेंट बहुत ज़रूरी है मैकेनिकल पार्ट्स में, फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए कंप्रेसर के अंदर तभी वो स्मूथली कंप्रेशन कर पाएगा। ये कंप्रेसर के बाद अब आ जाते हैं कंडेंसर फैन पे, तो कंडेंसर फैन आप लोगों को एक एक करके चेक करना है कि किसी कंडेंसर फैन में साउंड तो नहीं है, किसी में वाइब्रेशन तो नहीं है, किसी में शेकिंग तो नहीं है, वो आप लोग फाइंड आउट करके वो भी सही करना है। उसके बाद हम आ जाते हैं गैस पे, गैस का प्रेशर हम लोगों को सक्शन और डिस्चार्ज जरूर चेक करना है, कितना प्रेशर चल रहा है, और ऑयल का प्रेशर। ये अगर प्रेशर में आपको कोई डिफरेंस लगता है, कम है या ज़्यादा है, कुछ भी है, कम है तो आप लोगों को लीक चेक करना चाहिए। जैसे वो देखिए, हमने उधर सामने नाइट्रोजन का सिलेंडर अभी लगा रखा है, उधर हमारी लीक टेस्टिंग हो रही है, ऑलरेडी ब्रेजिंग कर दिया है जहाँ पे हमारा लीक था, और अभी उस पर प्रेशर होल्ड है नाइट्रोजन का, तो लीक टेस्टिंग करना है, उसको सही करना है। अगर हाई डिस्चार्ज से जा रहा है तो कंडेंसर का कंडीशन देखना है, कंडेंसर खराब है, गंदा है, कंडेंसर फैन खराब है, उसको हम लोग को सॉल्व करना है और कंडेंसर के फैन के कॉन्ट्रेक्टर चेक करने हैं। और उसके बाद जब तीसरी बातों पर आऊँ तो आप लोगों को जो इलेक्ट्रिकल पार्ट्स है, तो इसमें जो कॉन्ट्रेक्टर है इलेक्ट्रिकल पैनल में, जो कंट्रोल पैनल है, इसके अंदर बहुत सारे कॉन्ट्रेक्टर है, मैग्नेटिक कॉन्ट्रेक्टर कंप्रेसर के लिए है और कंडेंसर फैन के लिए भी है, कंट्रोल के लिए भी है, इन सबको आप लोगों को चेक करना है प्रॉपर, कोई हीटअप तो नहीं है, किसी में कोई स्पार्क तो नहीं है, वो सबको आपको चेक करके उसकी सर्विस करनी है प्रॉपर तरीके से, और जो आपका पीसीबी बोर्ड है, कार्ड्स है, उन सब की भी क्लीनिंग करनी है, और सारे जैक्स जो होते हैं उसके लूज कनेक्शन जो होते हैं वो भी चेक करना है, हर एक स्क्रू का, हर एक जैक्स का।
वो चेक करने के बाद जो कंट्रोल पैनल होता है इसको आप लोग क्लीन कर सकते हैं इजी वे में। और कंप्रेसर के टर्मिनल बॉक्स की बात करूं तो उसके अंदर भी आप लोगों को इसी तरीके से सारे लूज कनेक्शन चेक करने हैं, मोटर प्रोटेक्टर जो भी है सब आप लोगों को वेरीफाई करना है और चेक करना है। अगर आप ये समर से पहले कर लेंगे तो गर्मी में आपका चिलर बिल्कुल स्मूथ चलेगा और बहुत कम कंप्लेंट आएगी। और ये आइसोलेटर वगैरह भी हम लोगों को चेक करना होता है सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं वो चिल्ड वाटर लाइन में जो हुआ है गेट वाल्व जो लगा हुआ है उसको भी हम लोगों को चेक करना होता है। और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो पीसीबी में जो सेंसर वगैरह जो लगे हुए होते हैं, एंट्रिंग टेम्परेचर सेंसर और लिविंग टेम्परेचर सेंसर और बहुत सारे सेंसर ट्रांसड्यूसर जो होते हैं वो सब एक ही में मैंने शॉर्टकट में बताया है। जब आप इसका पैरामीटर चेक करेंगे चिलर का तो आपको सब कुछ मालूम चल जाएगा कि इसमें क्या गलत है क्या सही है, कौन सा सेंसर सही काम कर रहा है कौन सा सही काम नहीं कर रहा है। ऑयल हीटर वगैरह भी है कंप्रेसर में, क्रैंक केस हीटर उसको CCH शॉर्टकट में बोलते हैं, वो सब भी आपको चेक करना चाहिए। तो ये कंप्रेसर की मैकेनिकल की बात है। तो इस तरीके से आप लोग इसको चेक कर सकते हैं, इसमें किसी तरह का आप लोगों को इशू नहीं आएगा। लेकिन हाँ फिर मैं बोलता हूँ सेफ्टी से काम करना है। और ये ज़रूरी नहीं है कि और का चिलर है, अगर आप कैरियर के चिलर पर जाएंगे या ट्रेन के चिलर पर जाएंगे या आप डाइकिन का हो, SKM का हो, हिटाची का हो, कोई से भी चिलर पे अगर आप काम करेंगे, आप लोग अगर इस मेथड पे काम करेंगे तो आपके लिए काम इजी होगा। चलिए अभी मैं आप लोगों को जो मैंने बताया था कि इसका जो कनेज कैसे पहचानेंगे वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे एक चिलर है, यहाँ पे देखिए ये इसका एक स्टिकर है, यहाँ पे मैं करीब से देखता हूँ शायद इसमें नजर मुझे आ जाए। तो यहाँ पे जो इसमें नजर नहीं आ रहा है लेकिन यहाँ पे गैस कितना डलना है, चिलर की कैपेसिटी लिखी होती है, गैस का जो वेट है वो लिखा होता है, कितना गैस चार्ज होना है, ये सारी डिटेल्स इस पे होती है। तो अक्सर आपको किलोवाट में इसका जो कैपेसिटी है वो मिलेगा या फिर BTU में कम होता है चिलर पे, तो किलोवाट में अगर आपको मिलेगा तो आप लोग किलोवाट से निकाल सकते हैं उसका कितना टनेज है। इसका मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था 338 टनेज का या 340 टनेज का ये चिलर है, ऑलरेडी मैंने इस पर वीडियो बनाया था। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें, अपने दोस्तों से भी शेयर करें, क्या पता उनको भी इसकी जरूरत हो। और मेरे चैनल के साथ हमेशा जुड़े क्योंकि HVAC से रिलेटेड मैं हर तरह के ACO का पैकेज का, स्प्लिट AC का और डक्टेबल का, जो भी AC से रिलेटेड है, जो भी HVAC चिलर जो भी है सबके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और जो इलेक्ट्रिकल का भी है वो भी मैं बनाता रहता हूँ। तो इसलिए आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करें और हमेशा के लिए जुड़ जाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।